बेंगलोर के 7 साला फरहान मोहम्मद ने 101 पेंटिंग बनाकर सबको चौंका दिया है। इस कामयाबी के बाद यूनेस्को आलमी रिकॉर्डर में फरहान का नाम कैसे दर्ज हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। महज 7 साल की उम्र में बेहतरीन आर्ट बनाने वाला ये बच्चा है मोहम्मद फरहान। बेंगलुरु के रहने वाले फरहान ने अब तक 100 से ज्यादा पेंटिंग बनाकर सभी को चौंका दिया है। अपनी इस काबिलियत के बूते इस बच्चे ने यूनेस्को वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। फरहान 2021 के सबसे कम उम्र वाले फनकार बने हैं। फरहान बेहतरीन पेंटिंग के साथ साथ बेबाकी से बात करने की भी सलाहियत रखते हैं। I'm in second grade, so how many paintings have been done of mine are 101 and one is already sold, so three are already sold, so I think it's decreased, the number has decreased of my paintings from 100 to 98, so now So how I got to know about painting is by Van Gogh, my favorite artist, and how I started liking painting was the first time I painted on canvas. I felt joy, I felt happy. 4 साल की उम्र में पेंटिंग की शुरुआत करने वाले फरहान की कामयाबी के पीछे उनकी वालिदा का अहम रोल है। अपने बेटे के अंदर इस सलाहियत को महसूस करने वाली फिजा ने उसी वक्त से उस फन को निखारने के लिए काफी मेहनत की। वो ऑलमोस्ट 6 महीने के थे यू नो फरहान, जब उनको ब्राइट कलर्स बहुत पसंद है तो मदर टॉडलर बोल के एक प्रोग्राम आता है जब सब माँ बाप लेके जाते हैं अपने बच्चों को, तो मैं सोची मेरे बेटे को भी लेके जाएंगे, तो तीनों बच्चों के लेके जाती मैं वैसे, तो उनको पेंट्स दिए हम लोग, थोड़ा सा पेंट ब्रश और पेंट्स दिए, जो जैसे जैसे वो स्ट्रोक्स करने लगे तो मुझे लगा कि ये तो नॉर्मल स्ट्रोक्स नहीं है, ये तो थोड़ा अलग है एंड वेरी, मतलब आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मुझे पता है कि ग्रॉस मोटर स्किल्स क्या होता है। ग्रॉस मोटर स्किल्स में यू कैन होल्ड, यू हैव डेवलप्ड स्किल्स, आई कुड सी दैट द चाइल्ड हैज़ डेवलप्ड स्किल्स, ग्रॉस मोटर स्किल्स, सो वो पेंट ब्रश जैसे पकड़ते थे और जो कलर्स कॉम्बिनेशन में लाते थे दे वर एक्सेलेंट। तब से मैंने सोचा कि चलो ठीक है यू नो पेपर्स देंगे, तो उनको भी अगर आप पूछेंगे तो वो बोलेंगे कि क्यों आर्टिस्ट बने, बोले तो ही सेज ही फील्स वेरी गुड। माय टारगेट इज टू बी लाइक अ गुड आर्टिस्ट एंड अ गुड डिजाइनर एंड आल्सो टू नाउ दैट आई हैव डन विद 100, माय टारगेट वाज 100 व्हेन आई वाज स्टार्टिंग एंड नाउ माय टारगेट इज 1000। फरहान की तरह हर बच्चे में अलग-अलग सलाहियत मौजूद होती है, अगर वालिदैन उस हॉबी को सही वक्त पर पहचान कर उस पर मेहनत करें तो बच्चों में कामयाबी यकीनी हो सकती है। बेंगलुरु से जी सलाम के लिए शाहिद काजी की रिपोर्ट।